हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल राउंडर चैनल। मैं आपकी फ्रेंड लक्ष्मी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर चाहते हैं नया नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले, उसके लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ 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 शेयर, लाइक, कमेंट ज़रूर करें। तो जिन्होंने किया है उनको थैंक यू सो मच। और यहाँ पर आप देख रहे हैं खीरा। आज मैं इसका रायता बनाना बताऊँगी, और इसी से कल एक रेसिपी और आपको वीडियो डालूँगी, ज़रूर देखिएगा। बहुत ही टेस्टी लगती है जो खीरा होता है, और बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है, उसे ज़रूर खाएं। उसका रहता बहुत इजी है, फटाफट से बन जाता है। यहाँ पर मैंने ले लिए हैं 4 छोटे साइज़ के खीरा। कभी बड़ा मत लीजिएगा, उसके बीजे कड़े हो जाते हैं और टेस्ट नहीं रहता, एकदम बेकार है। खीरा हमेशा एकदम पतले और छोटे साइज़ के लें, वो बहुत अच्छे रहते हैं। उनको आप छील लीजिए, छिलका हमें इसमें नहीं चाहिए। छीलने के बाद उसे ग्रेट कर लीजिए। यहाँ पर लिया है मैंने दही, और इस दही में हम डालेंगे कटी हुई हरी मिर्च। हरी मिर्च आप अपने स्वाद के अनुसार रखिए, और थोड़े से कटे हुए प्याज। आप इसे ज़्यादा कम कर सकती हैं, लेकिन थोड़ा डालेंगे क्योंकि फ़िलहाल तो हम खीरे का बना रहे हैं। और अब हम इसमें खीरा ऐड कर देंगे। ये मैंने पूरा खीरा इसमें डाल दिया है। अब हम डालेंगे नमक और थोड़ा सा काला नमक। रायते में काला नमक बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ही आपको फ़ायदा करेगा। और ये डालेंगे जीरा पाउडर भुना हुआ। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिर्ची आप चाहें तो इसमें लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं, क्योंकि मैंने हरी मिर्च बहुत ज़्यादा डाली इसलिए मैं इसमें ज़्यादा नहीं डालूँगी। आप ना भी डालें तो भी चलेगा। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी अजवाइन। अब हम इसमें डालेंगे कुटी हुई काली मिर्च। आप चाहे तो इसमें दही का छोंक लगा सकते हैं, मैं फ़िलहाल इसे बिना छोंक वाला ही बना रही हूँ। अब आप इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। धनिया पत्ती भी आप चाहे तो इसमें डाल सकते हैं। अब ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही फ़ायदेमंद रायता तैयार है। तो ऐसा घर में ज़रूर बनाएं और खाएं, रोज़ाना खाएं। एक कटोरी तो खाना बहुत ही ज़रूरी है। तो बताइएगा कैसा लगा। पसंद आए तो प्लीज़ शेयर, लाइक, कमेंट करें। थैंक यू दोस्तों। जय श्री हरी।